बेडरोल रेसिपी, लहसुन, धनिया, मिर्ची, बॉयल आलू और कुछ मसाले, ऑयल पैन लो, उसमें ऑयल डालिए, फिर उसमें राई और जीरा डालना, फिर थोड़ा करी पत्ता डालना, चॉप गार्लिक, फिर उसमें मिर्ची डालना, फिर उसको अच्छे से सॉटे कर लीजिएगा। अब उसमें आप हल्दी डाल दीजिएगा, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और नमक आपके स्वाद के अनुसार। बाद में आप उसमें बॉईल आलू डाल देना। ये बॉईल पोटैटो को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अब इसमें कॉर्न डालना चाहते हो तो कॉर्न भी डाल सकते हैं। कॉर्न मैं भूल गई थी तो मैं इसमें बाद में इसको अच्छे से भून कर डाल दी। कॉर्न को मैंने अच्छे से भून लिया, थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया, पोटैटो स्टफ जो मैं बनाकर रेडी रखा था वो मैं इसमें डाल दूँ। कॉर्न डालने से इसका स्वाद बढ़ जाता है। आप चाहिए तो इसमें कैप्सिकम, कैरेट, जो भी आपको पसंद है आप डाल सकते हैं। अभी स्लरी बना रही हूँ मैं। स्लरी के लिए मैंने दो चम्मच मैदा लिया है, उसमें थोड़ा सा हल्दी और सॉल्ट आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। बाद में उसमें पानी डाल के हल्का सा पतला सा घोल बना लीजिएगा। फिर एक ब्रेड लेना और उसमें डुबोना, फिर उसको अच्छे से चिकटा करना, फिर जो स्टफिंग आप रेडी की हो उसके अंदर फिल करना। फिर आपने दोनों हाथ की मदद से इसको अच्छे से रोल देना। इसको हल्का हल्का प्रेस कर लेना। मैं आपको एक और बना के दिखाऊंगी। आप इसके एजेस कट कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसके कॉर्नर साइड कट करोगे तो और अच्छे से आपको ऐसा शेप आने में प्रॉब्लम नहीं होगी। वो ऑप्शनल है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो मैंने ऑयल लिया, मैंने डीप ऑयल में फ्राई नहीं किया, मैंने थोड़ा ही ऑयल लिया है, फिर उसे अच्छे से फ्राई कर लिया। यकीन मानो दोस्तों, ये खाने में इतना क्रंची, इतना यमी था, आपको बहुत पसंद आएगा। एक्चुअली जब मैं ये वीडियो बनाती हूँ मेरा एग्जॉस्ट फैन बहुत फास्ट होता है, तो वो उस वक्त मैं बोलूँगी तो आपको आवाज़ नहीं आएगी, इसलिए मैं ये अलग से रिकॉर्ड करके डाल रही हूँ वॉइस रिकॉर्डर से। सो हियर माय ब्रेड पकौड़ा इज ब्रेड रोल इज रेडी। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट में मुझे बताइए कि कैसे लगा।